देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल देश के कई मंदिरों में जन्माष्टमी मनाई गई। आज भी देश के कई हिस्सों में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तीन अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कान्हा के रंग में रंगी हुई है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो मथुरा हो या फिर गोरखपुर ही क्यों ना हो। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। और इस दौरान कई सारे और जो आयोजन है वो मंदिरों में किए जाते हैं। मुंबई की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर मथुरा की आप देख सकते हैं, जहां पर खास आयोजन किए गए, प्रसाद जो है वो यहां पर बनाया गया कान्हा जी का। ये देखिए, जिस वक्त जन्म हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें सब हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आज भी कई मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए हैं, जहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जन्माष्टमी का महापर्व चल रहा है और इस अवसर पर आज बात श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की करेंगे। कृष्ण को पूरे ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है, वो समस्त रिद्धि सिद्धियों के अधिपति हैं। फिर सर्वशक्तिमान कृष्ण बचपन में मक्खन क्यों चुराते थे? आखिर क्या है कान्हा की माखन चोरी की लीला का रहस्य? आइए समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण भगवान के एक नहीं 108 नाम हैं और उनमें से एक नाम जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है वो है माखन चोर, यानी चोरी चोरी माखन खाने वाले बाल गोपाल। अपनी माँ यशोदा से छिप कर मक्खन खाने वाले बाल कृष्ण माखन चोर रूप में भगवान की अलौकिक लीला के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण गिरधारी बांके बिहारी, जाने ऐसे कितने अनगिनत कान्हा के नाम हैं और ऐसी ही अनगिनत उनकी बाल लीलाएं हैं। कान्हा को कई नामों से उनके भक्त पुकारते हैं, उनमें से एक है चोर। कान्हा क्योंकि माखन चुराते हैं तो वो कहलाते हैं माखन चोर। वो ऐसे चोर हैं जिन्हें पूर्ण सम्मान मिलता है, और हाँ, कान्हा चुराते हैं लोगों का मन भी, इसीलिए कहलाते हैं चित चोर। अपनी लीलाओं से पूरे ब्रह्मांड को अभिभूत करने वाले कान्हा भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से दुनिया को सत्य और प्रेम का संदेश दिया, और उन्हीं लीलाओं में से एक मधुर और सुंदर लीला माखन चोर की लीला। भगवान कृष्ण के बाल रूप को देखते हुए भक्त मंत्रमुग्ध हो जाता है। हांडी में से मक्खन निकाल कर खाते बाल गोपाल की छवि निराली। क्या है उनकी इस लीला का रहस्य? इसमें कौन सा आध्यात्मिक और व्यवहारिक पहलू छिपा है? जीवन को वास्तविक तौर पर आनंद के भाव को जीना उन्होंने सिखाया, कि जीवन का वास्तविक शाश्वत आनंद इसी में है। और मक्खन वास्तविक तौर पर वो एक निधि है कि हम इस संसार में जो जीते हैं वो वात्सल्य के लिए जीते हैं। गाय के दूध का वास्तविक निष्कर्ष क्या? मक्खन ही तो है। उस मक्खन को प्राप्त जिस प्रकार से किया जाता है वो वात्सल्य के द्वारा ही मिल सकता है, माँ के प्रेम के द्वारा मिल सकता है। तो उन्होंने उस क्रिया के द्वारा ये समझाया। कहा जाता है कि नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय थी, वहाँ माखन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बाल गोपाल माखन चुराया करते थे, तो ये उनकी अपरंपार लीला ही थी। भगवान कृष्ण के माखन चोरी से जुड़ी लीला का आध्यात्मिक पहलू भी है। एक दिन यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से पूछा कि तुम माखन क्यों चुराते हो, हमारे घर पर तो काफी माखन है। तब कृष्ण ने जवाब दिया कि माँ, मैं माखन नहीं चुराता, मैं गोकुल वासियों के मन में मेरे लिए जो माखन जैसी भक्ति है वो चुराता हूँ। कृष्ण की माखन चुराने वाली लीला ये दिखाती है कि हमारा दिल और दिमाग दोनों माखन की तरह सफेद और शुद्ध होने चाहिए। जैसे माखन दूध के ऊपर तैरता है, वैसे ही हमें अपने अंतकरण को कलुषित विचारों से अलग करना चाहिए और उसे परमार्थ और प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। टीम न्यूज नेशन। तो देश भर में किस तरह से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का ये त्यौहार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 23 और 24 क्योंकि दो दिन इसका आयोजन किया जा रहा है। कल भी कई जगहों पर जन्माष्टमी मनाई गई, आज भी कई जगहों पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ये तीन तस्वीरें मुंबई, मथुरा और गोरखपुर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाल गोपाल के दर्शन आप यहीं न्यूज नेशन पर कर सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। ये देखिए, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है ठाकुर जी का। कहीं झांकी निकाली गई, कहीं पालकी निकाली गई, कहीं दुग्धाभिषेक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंदिरों में जो भक्त हैं श्री कृष्ण के वो यहाँ पर पहुंचे। ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे हैं।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं गोरखपुर की। आज भी कई जगहों पर ये आयोजन जो किए गए हैं वहां भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन अभी ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये गोरखपुर के, जहां पर ये विशेष आयोजन किए गए थे, पूजा करते हुए आरती करते हुए इस वक्त आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दूसरी तस्वीर मथुरा की, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनका दुग्धाभिषेक करते हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप न्यूज नेशन की वेबसाइट या ऐप पर जाएं और www.newsnation.in पर लॉगिन करें। हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं, सीधा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए आप हमारा ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं। तो डाउनलोड करें न्यूज नेशन का ये ऐप और बने रहें हमेशा खबरों से अपडेट।